हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 7 बज चुके हैं। अभी दूध लेने जा रहा हूँ। अभी अपना शेड्यूल शुरू हो गया है दूध लेने जाने का। चलो चलते हैं। ये सुबह सुबह का रूट वॉकिंग प्लस फ्रेश मिल्क, तो सुबह काफ़ी अच्छा लगता है। रोड पे चलने से काफ़ी मज़ा आता है, एंजॉय और फ्रेश हो जाता है। तो ये सामने ये मंदिर। आज सुबह सुबह ये फॉर्म की कटाई हो रही है। यहाँ पर लोग फॉर्म की काट रहे हैं और मैं अब पहुँच चुका हूँ दूध लेने वाली जगह पे। तो मैं दूध लेता हूँ फिर वापस घर की तरफ। अभी दूध लेके घर पहुँच चुका हूँ। अभी सुबह के 7:20 हुए हैं और वॉकिंग प्लस अपना दूध फ्रेश दूध लेके आ गए हैं। अभी दूध कम हो गया, पहले 2 लीटर लेता था तो अभी 1.5 लीटर ही मिल रहा है। अभी चलो पानी को उठाते हैं, अभी अपना काम शुरू करते हैं। फिर फ्रेश दूध लेके आया है, उसको अभी उबाला जा रहा है। उबाल के ठंडा करके फिर इसको फ्रिज में रख देंगे। अभी ये आज की सुबह की मॉर्निंग की बैटरी बन रही है। अभी हनी तो सो रही है, अभी उठती नहीं है अभी इतनी जल्दी। रात को भी लेट सोती है तो इसीलिए अभी उसको सोने देते हैं। स्कूल की छुट्टी भी है तो अभी क्या करना। चलो चाय तैयार हो गई बैटरी। अभी जाके मैं हनी के मम्मी बालकनी में जाके अभी चाय पी के Surprise. No, surprise. Ah! 6 surprise. You have eaten? All surprise eggs. वो किंड क्या बोलते हैं उसको? किंडर जॉय। उसको Come here. And check in the fridge. Come here. This is the last piece. Okay. हाँ, this is the last piece. उसको बताना भी पड़ेगा ना, नहीं तो फिर पीछे कल लेके आए थे किंडर जॉय, कितने लाए थे आपने? आए थे और आज फिनिश हो गया। आज फिनिश हो गया। एक दिन में पूरा खा के बैठ गया। इसको स्टडी कराने लगे तो उसका खाने के लिए मांगने लग जाती, पानी मांगने लग जाती, मतलब ताकि पढ़ना ना पड़े। इसके बालों में तेल नहीं लगाया ना, कैसे ब्राउन हो रहे। डेली नहा लेती, क्या तेल लगाना। नहीं तो तेल नहीं लगा तो ब्राउन बाल हो रहे। दिखाना नहीं, बाल कितने गंदे काटे ना आपने, कड़े खड़े हो गए पीछे से। पीछे से खड़े हैं, खड़े देख लो छोटे बैठ जाएंगे तो सो के उठी ने खड़े हैं ना। बैठ जाएंगे नाएगी तो बैठ जाएंगे। ये कैसे निकल रहा पूरा? तेरी माँ बोली थी पढ़ाई नहीं कराया, पापा ने पढ़ाई नहीं कराया। हिंदी में कभी सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर लेके आना, ठीक है? ये तो मुझे इतना बेकार का लगता नहीं। किंडर विंडर इसमें कुछ नहीं होता, ये महंगा इतना होता है और फालतू। तो वही तो कह रही, इसमें है क्या मुझे बताना जरा। 2-4 साढ़े से टॉयज हैं छोटे छोटे और बच्चों को करने के लिए थोड़ा सा मिल्क रहता है, उसमें 2 चॉकलेट बॉल्स रहती हैं, वो भी वेफर जैसी। चलो ठीक है बच्चे, कभी कभी तक है। क्या फिर बोलेंगे कि वो शॉप वाला बोलेगा ऐसा, पापा ऐसे किंडर जॉय भी नहीं खिला सकते। जब किंडर जॉय खाते तो फिर एक दिन में 3 भी खा जाते, 6 भी खा जाएगी। मेरी तारीफ हो रही है। पर ये मुझे ऐसा लगता है वेस्टेज ऑफ मनी और कुछ नहीं है। मतलब खाए हेल्दी चीज खाए, ये और ये तो कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव लगता है। इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है? देख लो, एक चम्मच भी नहीं होगा आई थिंक। दिखा ना ये इतना सा 45 रुपए का कोई मतलब है इसका? वेस्टेज ऑफ मनी। इससे अच्छा तो वो डेयरी मिल्क रहता है, कम से कम बड़ा तो रहता है, इंसान का थोड़ा पेट भी भर सकता है उससे। इधर देखो ना, बुक में देख लो एक बार, आसे क्या है तो खाने में जाने कहाँ पड़ेगी वो आसे खाएंगे
सेवई बन गई है बढ़िया। किशमिश इसमें, हाँ ये किशमिश बादाम ये सब मैंने डाला है। खाएगी नहीं किशमिश? अलग से दूं? अच्छा ठीक है, अलग से देती हूँ। अलग से एक प्लेट में ला देती हूँ इसके लिए। आप क्या कर रहे हो? छोड़ दो ना, खाओ पहले, खाना खाओ, खाओ बेटा, 1:30 बजने वाला है। आज शॉर्टकट यही लंच बन गया है, सेवई वाला है आज मैंने कहा शॉर्टकट यही लंच। तो आप क्या सोचते हो, रोज रोज बनता है? आपको कहने का क्या मतलब है कि रोज शॉर्टकट बनता है? अब क्या करें, अभी ना थक भी जाते कभी कभी, अब क्या करें, तबीयत भी ठीक नहीं होती, तो फिर कभी कभी ऐसा भी बनाना पड़ता है ना आनी, थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो ये ठीक ही तो दिख रहा है, इसमें मुझे कोई खराबी तो नजर नहीं आ रही। खा लो। क्यों आनी, मैगी से तो बेटर ही है ये थोड़ा, है ना? कैसा लग रहा है ये? ठीक है, जल्दीबाजी में बन गया, मतलब मेरा थोड़ा सा I was not feeling well, तो मैंने बना दिया। हनी खा रही है? ये ना बहुत ज्यादा बदमाश बच्चा है, प्यार नहीं आना चाहिए। चलो खाओ। कल क्यों चल रहा है ये, क्या किया हुआ है? हनी रिमोट दे दो बेटा पापा को, चेंज करो ना, वही क्या देखेंगे, कोई चेंज नहीं करने दे रही है, बहुत ज्यादा शैतान है लड़की। अच्छा ये आइसक्रीम मैंने फ्रिज में कल बनाई थी, मैं कभी इसे खोलते हैं। एक बार मैंने इसे 2-3 घंटा 4 घंटा जमने के बाद थोड़ा सा आधा जब जम गई थी, मैंने फिर इसे थोड़ा फेंटा था, अभी ये उसके बाद वापस फ्रीजर में रख दिया था। तो अभी खाते हैं, देखते हैं कैसा है। कैसा बना है भाई आइसक्रीम? दिख तो ठीक ही रहा है, ठीक है ना। एक्चुअली ये और अच्छा बन सकता था, तो मैंने दूध को उतना बॉईल नहीं किया पता, तो अब की बार बनाऊंगी ना जब दूध को खूब बॉईल करना हटाना है, फिर इस बार चॉकलेट वाला बनाएंगे। तो बाजार के आइसक्रीम खाएंगे ही नहीं, घर का बनाओ, घर का ही बनाएंगे जब फ्रिज है तो। फिर हनी का मानेगी, रोज तो घर में बना नहीं सकते, हनी को तो लगभग नीचे तो कल आइसक्रीम की दुकान खुल रही है। क्यों हनी, ये बन जाएगा या हनी की मम्मी का आइसक्रीम नाम से दिया जाएगा, ठीक है हनी? हनी ने पहले इसको देख के मुंह बनाया है, बोलती हाँ बोलती फ्रिज में से दो, मैंने बोला बेटा फ्रिज वाली नहीं है, तो फिर मैं उसने फिर देखा छू के कि हाँ ये आइसक्रीम जैसा ही है, हार्ड है, मतलब थोड़ा बर्तन है इसलिए सोचा। हाँ मैंने स्टील के बर्तन में रख दिया था ना उसको। चलो खाओ, आपकी बार अभी तो खैर मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी जल्दीबाजी में कर दिया था, और अच्छा बनाएंगे आपकी बार। हनी क्या कर रही है बालकनी में? हनी आरती का टाइम हो गया तो ये आरती सुनने बाहर पहुंच गई, बालकनी में बैठी है। देखो हनी जी आरती सुन रही है, आरती इसको बड़ा पसंद है सुनने का। भाई हनी यार तेरी मम्मी चाय नहीं पिलाएगी मुझे लगता है, ठीक है? ठीक है बनाओ खिचड़ी, क्या हाँ ठीक है, कभी कभी हेल्दी फूड भी खा लेना चाहिए। अच्छा सुनो एक छिपकली भी मंगा दो। कहाँ? ये बाहर के लिए मैंने कहा था, वो भाग जाएगी छिपकली। बस हो गया अभी, अरे ये पंखा तो बहुत तेज चल रहा है, मैं भी कम करती हूँ। हाय पिटाई करूंगी मैं तेरी हनी, फैन बहुत तेज क्यों चल रहा है? क्या हो गया पता नहीं, इसके पैर में कुछ क्या हुआ, दिखाओ पैर में कुछ तो नहीं हुआ। हनी का चल रहा पढ़ाई चल रहा है, हनी कहाँ बदमाशी चल रही है, टिक के बैठते ही नहीं, इधर उधर उछल पुछल करती रहती है, क्या करेगी तू? लो ये वाला करो काम, दही
जिसमें कि मैंने थोड़ा सा चीनी, जीरा पाउडर और भी काली मिर्च डालना है। कहाँ गई काली मिर्च, ये डालूँगी ब्लैक पेपर, तो इससे ना काफ़ी अच्छा स्वाद लगता है, क्योंकि हनी को तो मीठा दही ही चाहिए होता है। और ये पिकल है, और ये मैंने खिचड़ी बनाई है आज, मूंग दाल वाली, चने की दाल और घी से छौंकाया, हींग डाल के, तो आज यही खाते हैं। इन लोगों का मैच चल रहा है, हनी इज़ वॉचिंग मोबाइल। लीजिए आपका डिनर, पता नहीं हनी खाएगी कि नहीं खिचड़ी, काफ़ी दिनों के बाद बनाया है। हाँ देख लेना हनी बिट्टू, खा लेना हेल्दी फूड। चलो चलो खाओ। हाँ खिचड़ी में तो घी का ही तड़का अच्छा लगता है ना, हींग डाल के, ज़्यादा नहीं डाले, सिर्फ थोड़ा सा 2 चम्मच, ज़्यादा ऑयली भी ना हो करके। वाह चप्पल में क्या क्यूट लग रही है हनी, ऐसे लगाएगा डेली चप्पल, ठीक है। हाँ हेनू के हैंडू में क्या है ये, वाह।